वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रामलला के घर में। और चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। इस बीच एक अहम खबर से आपको रूबरू करा दीजिए। हाँ, अयोध्या में आज राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास। सीएम योगी पहला पत्थर रख करके करेंगे शिला पूजन। थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। रामलला के गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ करेंगे सीएम। रामलला सदन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करेंगे शिरकत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या में रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या दौरे पर नजर आएंगे और साथ ही साथ उस मौके पर भी वो मौजूद नजर आएंगे। उनके साथ तमाम कार्यक्रमों में सीएम के साथ शिरकत करते भी ये संभावनाएं जताई जा रही है कि नजर आ सकते हैं। तो थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास होगा। सीएम योगी पहला पत्थर रख करके शिला पूजन करेंगे। थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। रामलला के गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ करेंगे कार्य। वहीं रामलला सदन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शिरकत करते सीएम नजर आएंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। यानी रामलला का आज घर बनने जा रहा है, जहां गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू हो जाएगा। आज गर्भगृह का शिला पूजन किया जाएगा। अयोध्या में बड़ा जश्न, जहां सीएम योगी रखेंगे आधारशिला। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्य, दशकों से तराशे जा रहे पत्थर आएंगे काम। वही मंदिर ट्रस्ट ने किया भव्य आयोजन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामलला के गर्भगृह के निर्माण कार्य का आज से शुभारंभ होना है। वहीं रामलला सदन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शिरकत करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बहुप्रतीक्षित दिन आज आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और आज वह रामलला के गर्भगृह के प्रथम शिला का पूजन करेंगे। 3 घंटे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे और आज वह रामलला सदन में भी मंदिर का उद्घाटन और उसके प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मैं पवन सिंह, नेटवर्क 10 के लिए अयोध्या से। और इसी विषय पर तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह अयोध्या से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या कुछ खास आज कार्यक्रम तय किए गए और सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक वहां पहुंच रहे हैं? सीमा, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी मुश्किल से कुछ ही क्षणों में 5 मिनट टाइम बचा हुआ है, 9:10 उनके आने का समय निर्धारित है और वो 9:10 तक बताया जा रहा है कि आज आएंगे। कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्या जी हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब उसके बाद मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी आके दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद वो रामलला परिसर जाएंगे, जहाँ पे रामलला के गर्भगृह का जो प्रथम शिला पूजन है उसमें वो सहभागिता करेंगे, उसमें शामिल होंगे। वहाँ पे पहले से तैयारियां, आज 5 दिन से वहाँ पे सर्वदेव पूजन कार्यक्रम चल रहा है जिसमें 40 पुरोहित पूजा कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए काफी अहम आज का दिन माना जा रहा है। इसको लेकर के अगर तैयारियों की बात यहाँ पर पवन की जाए तो किस तरह की तैयारियां ट्रस्ट द्वारा की गई है अभी तक? सीमा, में बता दूं कि ट्रस्ट ने पूरी तैयारियां कर रखी है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के और रामलला के गर्भगृह का जो एक ऐतिहासिक दिन है, जिस तरीके से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अयोध्या आकर के राम मंदिर का शिला पूजा शिलान्यास किया था, उसी तरीके से इस ऐतिहासिक दिन को भी 1 जून जो एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है उसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी तैयारियां कर ली है और वो उसके अंतिम चरण में काफी दिन से तैयारियां चल रही थी। पिछले 1 हफ्ते से पूरा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अलग अलग तरीके के कार्यक्रम वहां पे बड़े इस्तेमाल में पंडाल लगाए गए हैं, जहाँ पे पंडितों द्वारा वहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है और अब वो इस टाइम मुख्यमंत्री वहाँ पे शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए पवन यहाँ पर काफी अहम और यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर शिला पूजन के अलावा भी कुछ तरह का कोई कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर हो और साथ ही साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात यहाँ पर सामने आ रही है वो किस जगह पर होगा? जी, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो राम जन्मभूमि परिसर में गर्भगृह के पूजन के बाद वो रामलला सदन जो वहाँ से 100 मीटर दूर है उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो भाग लेंगे और वहाँ पे उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ कर सकते हैं।
बिल्कुल पवन, और देखिए जिस तरीके से ये गर्भगृह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, गर्भगृह निर्माण की यहाँ पर पूरी तैयारियां आज से शुरू हो जाएगी, तो इसको लेकर के अगर खासियत की बात की जाए तो क्या कुछ खास इस राम मंदिर में, इसकी शिला में और नक्काशी में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? गर्भगृह के बारे में बताया गया है, जो ट्रस्ट बता रहा है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कहना है कि गर्भगृह में जो भी पत्थर लगेंगे उन पत्थरों में सारे देवी देवताओं की नक्काशी की जाएगी। वो गुलाबी पत्थर से बनाए जा रहे हैं और वो पत्थर जो है वो सब जयपुर से या जो है कर्नाटक की तरफ से आएंगे। मैसूर के पत्थरों का उसमें उपयोग किया जाना है और वो सारे पत्थर यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी नक्काशी भी लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। और गर्भगृह का जो साइज उन्होंने डिफाइन किया है वो 20x20 का है, मतलब 20x20 के क्षेत्रफल में उसको बनाया जाना है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से आपने बताया काफी ज्यादा खास ये नजर आ रहा है। इसमें अगर बात किया जाए कि आज जो कार्यक्रम होने हैं उसमें और कौन कौन शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ खास अतिथि भी आज रहने वाले हैं? क्योंकि हमेशा से देखा गया है जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो देश विदेश से तमाम जो साधु संत हैं उनको भी निमंत्रण भेजा जा रहा है, तो इस बार भी कुछ खास? जी, इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 200 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता और जो है राम जन्मभूमि आंदोलन 1990 में राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े जितने लोग हैं, जो साधु संत जिनकी प्रमुख सहभागिता रही है, वो उन सबको आमंत्रित किया गया है और इस पूरे कार्यक्रम में वो लोग शामिल होंगे। चलिए पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से देखिए आज गर्भगृह का शिला पूजन होना है, अयोध्या में एक बड़ा जश्न होना है जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं, तमाम कार्यक्रम में शिरकत करते वो नजर आएंगे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये तमाम जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। दशकों से इस तमाम चीज़ें तराशी गई थी, हर एक चीज़ राम जन्मभूमि को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा खास और नई देखने को मिलेगी। फिर चाहे पत्थर की बात कर ली जाए या फिर पत्थरों पर बने नक्काशी की बात यहाँ पर कर ली जाए, जो आधारशिला रखी गई और साथ ही साथ यहाँ पर नींव जो राम मंदिर की रखी गई उसमें ही इतना वक्त लग गया क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूती से और सबसे ज़्यादा गहनता से उसे रखा जा रहा है। और आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसी उपलक्ष में अयोध्या पहुँचने वाले हैं और अयोध्या पहुँच करके तमाम कार्यक्रम में वो शिरकत करते भी नजर आएंगे और कई तरह के कार्यक्रम होने हैं जिसको लेकर के आज का पूरी तैयारियाँ जो हैं वो ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर कर ली गई थी और राम लला का घर जो बनने वाला है उसको लेकर के पूर्णतः तैयारी यहां पर की जा चुकी है। और यहां रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।